अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। और जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमने राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस, यानी कि मंदरजा ज़ैल को लॉगरिथम के मजमूए या फ़र्क की शक्ल में लिखें। हमें उन्होंने लॉगरिथम दिया हुआ है, हमने उसको लिखना है, यानी कि हम उसको लिखें कि मजमूए या फ़र्क की शक्ल में, यानी कि सम आर डिफरेंस की शक्ल में। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं वो आप सीख लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह चलते हैं क्वेश्चन की जानब। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर हम लिखेंगे प्लस को, ये आपने जहन में रखना है। यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, वहाँ पे लिखेंगे हम प्लस को, और यहाँ पर होगा प्लस, वहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। ये आपने माइंड में रखने हैं, ये बुक में ये नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, वहाँ पे लिखना है आपने प्लस, और यहाँ पर होगा प्लस, वहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर होगा माइनस, वहाँ पे आपने लिखना है डिवाइड तकसीम को, और यहाँ पर होगा तकसीम डिवाइड, वहाँ पे आपने लिखना है माइनस को। तो ये रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं कि यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, वहाँ पर लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर होगा प्लस, वहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर होगा माइनस, वहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, और यहाँ पर होगा डिवाइड, वहाँ पे हम लिखेंगे माइनस को। तो अभी हम इसके लिखेंगे मंदरजा ज़ैल को लॉगरिथम्स के मजमूए या फ़र्क की शक्ल में लिखें। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है लॉग के मल्टीप्लाई लॉग बी। तो अभी देखें हम इसको लिखेंगे अलग अलग, यहाँ पर आएगा लॉग ए, अभी यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर है प्लस तो हम लिखेंगे, तो सॉरी यहाँ पर है मल्टीप्लाई तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अभी यहाँ पे लिखेंगे हम इसको लॉग, यहाँ पे लिख देंगे बी, तो यही हमारा सलूशन आ जाएगा। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर जो 2 है वो हमारे पास है लॉग 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। तो स्टूडेंट्स अभी देखें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पर लिखेंगे 15.2, और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस को, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग 30.5, तो यही हमारा सलूशन आ जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको रेज कर देते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है लॉग 25 मल्टीप्लाई 8 सॉरी मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8। तो स्टूडेंट्स अभी देखें हम इसको लिखेंगे लॉग, लॉग सबके साथ लिखना है, लॉग हम पे लिखेंगे 25, यहाँ है मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस को, फिर लिखेंगे लॉग 5, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 8 तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग 8, तो यही हमारा सलूशन आ जाएगा सवाल नंबर 3 का। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है वो है हमारे पास 7/15, इसका है जजर है इसकी 3, यहाँ पर है लॉग। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लॉग 7/15, इसकी जो पावर है वो है 1/3, तो इसकी है पावर है 1/3 है। सबसे पहले हम पावर को इधर लेके आएंगे, हम इसको लिखेंगे 1/3, उसके बाद लिखेंगे लॉग 7, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग 15, तो यही हमारा सलूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये 1/3 है, ये इसकी पावर है, तो पावर को सबसे पहले हम स्टार्ट में लिख देंगे, पावर को हमने होल लिखना है क्योंकि ये 1/3 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अभी देखें अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है लॉग 2 की पावर 5, लॉग 2 की पावर 5, तो मैं इसको लिखूँगा 5 log 2, जो हमारी पावर होगी इसको मैं स्टार्ट में लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा लॉग,
ठीक है। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन हो log 3 की पावर x, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, x को लिखूंगा स्टार्ट में और log लिख दूंगा 3, यानी कि जो हमारी पावर होगी उसको मैं log के स्टार्ट में लेके आऊंगा, उसके बाद फिर लिखूंगा log, उसके बाद जो हमारी बेस होगी वो होगी पावर को मैं स्टार्ट में लिख लूंगा। अभी हम चलते हैं सवाल नंबर 5 करते हैं, उसमें ये रूल है वो इंशाल्लाह हमको आसानी से समझ आएगी। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 5। तो स्टूडेंट सवाल नंबर हमारा है 5, वो है log 22 की पावर है 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर है 3। अभी हम इसको गौर से करें, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस पार्ट का, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 1/3 को स्टार्ट में लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 log 22, उसके बाद लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अभी ये 5 की पावर 3 है तो 3 को मैं लिखूँगा स्टार्ट में, उसके बाद लिखूँगा log, उसके बाद लिखूँगा 5, तो यही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 6। स्टूडेंट सवाल नंबर जो हमारा 6 है वो है log 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाय 29। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको लिखेंगे log 25 प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर प्लस आएगा, हम यहाँ इसको लिखेंगे log 47, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आएगा माइनस log 29, तो यही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं सवाल नंबर 2 हमारा है, जो है उन्होंने सवाल नंबर 2 हमें दिया है एक्सप्रेक्स log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो स्टूडेंट्स अभी उन्होंने सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हम इसको लिखेंगे, यानी कि सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि यहाँ पर आएगा प्लस, वहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई को, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, वहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस को, यहाँ पर आएगा माइनस, वहाँ पे मैं लिखूँगा डिवाइड को, और यहाँ पर आएगा डिवाइड को, वहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस को। तो आपने ये फार्मूला जो है, यानी ये अपने माइंड में रखते हुए ये 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो अभी देखें यहाँ पर है log x, हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं log, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ log x। अभी जो माइनस है ये नीचे आ जाएगी, अभी मैं जो प्लस वाली, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है यहाँ पर 3, तो अभी मैं इसको लिखता हूँ x प्लस 1 की पावर 3। स्टूडेंट 3 क्यों लिखूँगा, क्योंकि हमने पिछले जो हमारा क्वेश्चन है हमने उसमें किया है कि जो पावर होगी log से पहले जो पावर होगी वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि हम इसको लिखेंगे x प्लस 1 और इसकी जो पावर है वो लिखेंगे 3। तो अभी हम लिखते हैं माइनस वाली क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है माइनस 2 और log x, और ये 2 है ये x की पावर है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये x, ये 2 log x है, ये इस तरह है 2 log x, अभी हम इसको लिखेंगे log x की पावर 2, यानी कि जो पावर है उसको हम लिखेंगे स्टार्ट में, सॉरी बेस की पावर में लिख देंगे। तो अभी हम इसको लिख लिया है, माइनस वाली रकम को हमने कर दिया है डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड आ गया एक्स स्क्वायर। अभी हम देखते हैं माइनस वाली है क्वेश्चन हमारे पास ये है, हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसके पास इसके साथ की पावर नहीं है इसलिए हमने इसको वैसे लिख दिया। अभी हम इसको करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट्स अभी हम इसको लिखते हैं log, ये नेक्स्ट में इसको हम कट कर देते हैं, x प्लस 1 का क्यूब ओवर, ये एक्स स्क्वायर है इसको लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये है एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस
वन, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अभी हम इसकी जगह लिखेंगे एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन यहाँ पर है थ्री, यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर से, एक्स से एक्स स्केयर ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर है एक्स माइनस एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया टू, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वन। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन टू द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम, नतीजा ज़ैल को बहुत लॉगरिथम की शक्ल में लिखें। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो था लॉगरिथम की शक्ल में, हमने उसको लिखा था सम और डिफरेंस मजमूए या फ़र्क की शक्ल में। अभी उन्होंने हमें मजमूए या फ़र्क की शक्ल में सम और डिफरेंस की शक्ल में इक्वेशन दी हुई है, लॉगरिथम दिए हुए हैं, तो हमने उसको वाहद लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है वन, वो है हमारे पास लॉग 21 प्लस लॉग 5। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन नंबर वन में और क्वेश्चन नंबर टू में कि यहाँ पर हमारे पास होगा प्लस, वहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई वहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर होगा माइनस वहाँ पर लिखेंगे डिवाइड, यहाँ पर होगा डिवाइड वहाँ पर लिखेंगे माइनस को। तो अभी हम अगर इस क्वेश्चन पर गौर करें तो हमारे पास है यहाँ पर लॉग, लिखेंगे 21, यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई और इसको लिख देते हैं 5, यानी कि ये एक लॉग है, ये है, हमने वाहद लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉग वाहद लॉगरिथम की शक्ल में इसका ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू जो है हमारे पास वो है लॉग 25, ये है क्वेश्चन नंबर टू, वो है हमारे पास लॉग 25 माइनस टू लॉग 3। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको गौर करें तो हम इसको लिखेंगे लॉग, यहां पर आ जाएगा 25, यहां पर है माइनस, अगर माइनस होगा तो हम लिखेंगे डिवाइड, ये है 2 log 3, जैसा कि मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में समझाया था ये है 2 log 3, तो ये 3 की पावर आ जाएगी 2, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अभी हम करते हैं अपना सवाल नंबर 3। सवाल नंबर जो हमारा 3 है वो है log x माइनस 3 log y। तो स्टूडेंट्स ये है 2 log x, तो हम इसको लिखेंगे log x, यहाँ पर है 2 log, तो आपको पता है ये log से पहले जो स्टार्ट में हमारा जो भी डिजिट होगा वो पावर में होगा, तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर, यानी ये x की पावर है, और यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड, ये है 3 log y, तो हमें पता है कि ये 3 जो है ये y की पावर है, तो हम इसको लिखेंगे y की पावर 3, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। जो लास्ट पार्ट है वो है log 5, log 5 प्लस log 6 और माइनस लॉग 2, माइनस लॉग 2। तो स्टूडेंट्स अभी हमें पता है कि हम इसको लिखेंगे लॉग, यहाँ पर है 5, यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा, वहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई, तो इसको मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, वहाँ पे मैं लिखूँगा डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पर है लॉग 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स यही हमारा सोल्यूशन है। तो
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने किए हैं 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। जहाँ भी जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।